टेस्ला की एक स्ट्रेटजी के कारण टेस्ला के कस्टमर्स उससे बहुत ज्यादा दुखी हैं। पर क्यों? रीजन नंबर वन, इलॉन मस्क बहुत ही स्ट्रेटजिक इंसान है। ही कैन चेंज द कार प्राइस एट एनी पॉइंट, क्योंकि इलॉन मस्क ने अराउंड $200 बिलियन का लॉस उठाया इन वन ईयर। इस लॉस को मीट करने के लिए 2022 में इलॉन मस्क ने टेस्ला का प्राइस बहुत बढ़ा दिया अराउंड $10,000 एंड अभी अराउंड 20% तक कम कर दिया। आप इमेजिन करो, आप आज गाड़ी लेते हो 50 लाख की एंड अगले दिन उसकी वैल्यू हो जाती है 40 लाख की एंड रीसेल वैल्यू और कम हो जाती है, आप क्या करोगे? यही चीज हुई टेस्ला मॉडल वाई के साथ एंड ऑल टेस्ला मॉडल्स की। उसकी वैल्यू अराउंड 20% अराउंड $13,000 कम होगी एंड नॉट जस्ट दिस, इसके साथ फेडरल टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है इन द यूएस, जिससे $7,500 और फायदा हो रहा है जो पहले नहीं मिलता था। सो ऑलमोस्ट कुछ लोगों का $20,000 का 15 लाख रुपए तक का भी नुकसान हुआ है एंड आई एम वन ऑफ देम।